हाँ भाई, तो ये वाली या फिर ये वाली? छोड़ना। अरे बोलो भी, शायद ये वाली। तू भी ना। मुझे पता था तुम किसी को पसंद जरूर करोगे। यहाँ कितनी सारी हॉट लड़कियां हैं। ये एलिस है? वो नहीं, नहीं भाई, फिर से नहीं। 3 साल हो चुके हैं, वो जा चुकी है, अब उससे आगे बढ़ो। मैंने ये फोटोज कभी नहीं देखी। अरे भाई, ये फोटोशॉप है, ये एक स्कैम है, तुम क्या देख रहे हो? लेकिन मुझे जानना है कि क्यों। इस प्रोफाइल को रिपोर्ट करना चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इस इंसान से मिलना है और उसकी आंखों में देखना है। रॉन, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ बार में कितनी सारी लड़कियां हैं। हे, एक बार उसे देखो। हे बेबी, कैसी हो तुम? कुछ पियो, मुस्कुराओ और अगली सुबह उसके बगल में उठना और इस एलिस के बारे में भूल जाओ, वो जा चुकी है। लेकिन अगर तुम सारी जिंदगी उसके लिए रोना चाहते हो, मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हारी मर्जी। चलता हूं मैं। हे लेडीज, मैं एक डेट पर जा रहा हूं एक भूत के साथ। अब आ भी जाओ, तुम जैसे ही आओगी पुलिस को बुला लूंगा। किससे बात कर रहे हैं? ओ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। नहीं, क्या आपका फोन ठीक है? हाँ, मेरा फोन ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। ओके। हाँ, ये ठीक है, प्लीज। या। मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन मेरा फोन बहुत ही मजबूत है। मुझे ये तोहफे में मिला था मेरे किससे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारा मेन्यू कार्ड। शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो उत्तर देने में मुझे खुशी होगी। जरा सुनिए। जी, क्या आप इन्हें देख पा रहे हैं? हाँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक मौका दूंगा मेन्यू कार्ड देखने का। तो तुमने उसे ये करने को कहा? ओह, ये बहुत प्यारा है। मैं बहुत ही नर्वस हूँ, ये मेरी पहली टिंडर डेटिंग है। और आह, मेरी भी। तुम्हें पता है ये मेरी पहली डेट है पिछले 3 सालों में या फिर उससे भी ज्यादा। क्या सच में? हाँ। 3 साल पहले क्या हुआ था? ये बहुत ही लंबी कहानी है, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज, अगर सच कहे तो मुझे नहीं पता। 3 साल पहले एक अस्पताल में मेरी आंखें खुली और मुझे कुछ याद नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। ओ, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी ये। और बड़ा अजीब लगता है कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरा नाम एलिस है, लेकिन मैं अभी भी क अक्षर पहनती हूँ।
किरे। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? पेंडन में जो के अक्षर है इसका मतलब है किटी। तुम्हें कैसे पता? इसी नाम से मैं तुम्हें हमेशा बुलाता था। मैंने तुम्हें यह दिया था। एलिस, मैं तुम्हारा पति रॉन हूं। हमने 5 साल पहले शादी की थी। सुनो, अगर ये किसी तरह का मजाक है तो मुझे मजाक नहीं। नहीं एलिस, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी गाड़ी मिली थी 3 साल पहले एक नदी में, लेकिन उसमें कोई बॉडी नहीं थी। लंबे समय तक खोजने के बाद तुम्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन मुझे पता था तुम जिंदा हो, हमेशा से पता था। एलिस डार्लिंग, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? क्या तुम्हें याद है हम कॉलेज में कैसे मिले, या फिर पेरिस में हमारी हनीमून याद है? क्या तुम्हें याद है हर रात हम कैसे भूतिया फिल्में देखते थे? तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है? तुम बताओ मुझे पेंडेंट के बारे में कैसे पता होता, या फिर जांघ पे चोट की निशान जो तुम्हें बचपन में लगी थी, या फिर ये कि तुम्हें प्लेन से डर लगता है एलिस, या फिर तुम्हें नफरत होती है जब कोई उंगलियों से ऐसे आवाज करता है एलिस। एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं असल में मैं बस जाने वाली हूँ। और हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। प्लीज ले आइए एक पास्ता कार्बोनारा, रास्पबेरी शरबत और एक गिलास रेड किंग्सबरोली। एलिस डार्लिंग, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या हम याद है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शायद तुम मुझे जानते हो, शायद तुम सच बोल रहे हो, लेकिन किसी और दिन एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है एलिस? या फिर शायद हमें एक दूसरे से और कभी नहीं मिलना चाहिए। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम पर भरोसा है? वो औरत जिसे तुम प्यार करते थे, वो 3 साल पहले गुमशुदा हो गई। अब मैं वो लड़की नहीं हूं। मैं अपने अतीत में नहीं रह सकती। तुम्हें अब मुझे भूलना होगा। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता था कि मैं वापस आऊंगी? सच्चा प्यार हमेशा वापस आता है किटी।